हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जहां पर मैं वीडियोस अपलोड करता हूं फॉर इंजीनियरिंग मैथमेटिक्स बीएससी स्टूडेंट। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की आप तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है स्टूडेंट। यहाँ पर मैं वीडियोज अपलोड कर रहा हूँ अभी लीनियर अलजेब्रा पे, जहाँ पर मैं काफ़ी सारे टॉपिक पढ़ा चुका हूँ, लाइक वेक्टर स्पेस है, सब स्पेस है, देन डायमेंशन है, देन उसके बाद मैंने आपको रैंक है, नलिटी है, देन उसके बाद लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है, तो काफ़ी सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूँ। यहाँ पे जो आई टैब है यहाँ पे जाके आप मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। इससे पहले मैंने आपको कंसिस्टेंसी एंड इनकंसिस्टेंसी फॉर नॉन होमोजीनियस इक्वेशन पढ़ाया, वो भी आप देख सकते हैं। और स्टूडेंट, आज मैं आपके सामने पढ़ाने वाला हूँ होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन है, उसको हम कैसे सॉल्व करते हैं, तो ये मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। स्टूडेंट, आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा नया यूट्यूब चैनल मैंने अभी स्टार्ट किया, जहाँ पर मैं जनरल एप्टीट्यूड फॉर सीएसईआर नेट मैथमेटिक्स पढ़ा रहा हूँ। अगर आप लाइफ साइंस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, किसी भी सब्जेक्ट के साथ अगर आप सीएसईआर नेट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड पूछा जाता है, तो मेरा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है, वो भी आप यहाँ पे आई टैब पे जाके मेरी वीडियोज़ को देख सकते हैं। तो स्टूडेंट देखिए, यहाँ पे सिस्टम ऑफ लीनियर होमोजीनियस इक्वेशन मीन्स होमोजीनियस इक्वेशन होती क्या है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपके सामने एक एग्जाम्पल देता हूँ, उससे समझाने की कोशिश करूँगा। लाइक आपके पास दे रखा है 2x + 4y इज इक्वल टू 0 एंड x - 3y इज इक्वल टू 0, राइट। इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है जहाँ पर इक्वल टू 0 हो, है ना, वेरिएबल इज इक्वल टू 0, तो ऐसी इक्वेशन जो होती है वो हमारे पास क्या होती है, होमोजीनियस होती है। इसमें इस टाइप की जो इक्वेशंस होती है यहाँ पे हमेशा कंसिस्टेंस होती है, और यहाँ पे यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, यहाँ पे नो सॉल्यूशन कभी भी एग्जिस्ट नहीं करता है। इसके पीछे मैं रीजन बताऊंगा आपको कि रैंक ऑफ ए बी, है ना, जब हम ए बी मैट्रिक्स निकालते हैं तो चूंकि बी मैट्रिक्स तो है ही नहीं यहाँ पे, राइट, तो रैंक ऑफ ए बी हमेशा लाइक रैंक ऑफ ए के बराबर ही आएगा, राइट, है ना, वो कभी भी अनइक्वल नहीं होगा, क्यों, बी मैट्रिक्स हमारे पास जीरो मैट्रिक्स, राइट, तो ये ध्यान देने की जरूरत है, क्लियर है। तो इस मिनट में आपको समझाना चाहता हूँ, यहाँ पे थोड़ा कंसेप्ट समझ लेते हैं। एक्स इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड होमोजीनियस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। इस मिनट सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, द सिस्टम एक्स इज इक्वल टू बी ऑफ द एम लीनियर इक्वेशन एंड एन अननोन। इस मिनट एम लीनियर इक्वेशन और यहाँ पे एन अननोन है, द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन जहां पर बी क्या हो जाता है, जीरो हो जाता है, राइट, यहाँ पे बी हम क्या लेंगे, जीरो लेंगे, क्लियर है, ठीक है, ओके। फॉर सच सिस्टम ऑफ इक्वेशन ए एंड एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स ए बी आर द सेम। स्टूडेंट, ए मैट्रिक्स और ए बी मैट्रिक्स यहाँ पे सेम हो जाते हैं क्योंकि बी मैट्रिक्स जीरो हो जाते हैं, राइट, देन द रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स ऑफ ए एंड एग्यूमेंटेड मैट्रिक्स आर इक्वल। स्टूडेंट, ये और ये दोनों इक्वल हो जाती है, हैज द सिस्टम ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट। स्टूडेंट, ये हमेशा कंसिस्टेंट होगी, ये कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगी, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट, यहाँ पे दो टाइप के सॉल्यूशन, देखो कंसिस्टेंट होता है तो या तो यूनिक सॉल्यूशन होता है या फिर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, पर मैं आपको बताना चाहता हूं जब भी कंसिस्टेंट होगा, ठीक है, तो यूनिक सॉल्यूशन अगर होता है तो हमेशा वो ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं 0-0, राइट, मतलब अगर किसी भी इक्वेशन का यूनिक सॉल्यूशन है मतलब वो 0-0 का सॉल्यूशन होगा, राइट, और अगर बाय चांस वहां पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन है, अब देखो मैंने आपको ये भी बताया था कि रैंक ऑफ ए बी अगर रैंक ऑफ ए के बराबर है, राइट, है ना, और वो नंबर ऑफ अननोन के इक्वल है, तो हमारे पास यूनिक सॉल्यूशन होता है, राइट, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन या फिर जीरो सॉल्यूशन, और अगर रैंक ऑफ ए बी रैंक ऑफ ए के बराबर होता है, राइट, तो हमारे पास यहां पे लेस देन बराबर हो और लेस देन नंबर ऑफ अननोन हो तो यहां पे क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है। पर स्टूडेंट, जब भी हम होमोजीनियस इक्वेशन की बात करेंगे तो यहां पे जो नो सॉल्यूशन होगा मतलब वो नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा, मतलब उसको बोलते हैं हम नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन, है ना, द सिस्टम विल हैव नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन इफ एंड ओनली इफ द रैंक ऑफ द कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज लेस देन दैट द नंबर ऑफ अननोन, राइट। तो मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, उस एग्जांपल से थोड़ा सा क्लियर करने की कोशिश करूंगा। एक दो इक्वेशन लेते हैं हम लोग, एक इक्वेशन लेता हूं मैं 2x - y इज इक्वल टू 7 और दूसरी इक्वेशन लेता हूं मैं x + y इज इक्वल टू 8, राइट। दूसरी इक्वेशन मैं एक और लेता हूं आपके सामने यहां पे कि 2x - y, ओ सॉरी, यहां पे होमोजीनियस लेना है तो बराबर 0 लेना पड़ेगा, राइट, बराबर 0 लीजिए यहां पे बिकॉज हम होमोजीनियस ले रहे हैं, राइट, देन 2x - y इज इक्वल टू 0 एंड एक और ले लेता हूं मैं 4x - 2y इज इक्वल टू 0, राइट, क्लियर। अब देखते हैं स्टूडेंट, यहां पे ध्यान देने की जरूरत है। अब स्टूडेंट समझने की कोशिश करिए, यहाँ पे जब भी ऐसा आता है तो हम इसको दो तरीके से इसको कर सकते हैं। पहली बात तो मैं यहाँ पे इसको एक मैट्रिक्स फॉर्म में लिखूंगा तो क्या आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे 2, मैं सबसे पहले इस फर्स्ट वाले एग्जांपल को बता रहा हूँ, 2 - 1 1 एंड देन स्टूडेंट यहाँ पे आएगा ये एक्स वाई, है ना, स्टूडेंट यहाँ पे आता है ये एक्स वाई, क्लियर, एंड एक्स वाई
इज इक्वल टू जीरो जीरो, राइट। इसमें यहाँ पे हम ए बी मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, हम सिर्फ ए मैट्रिक्स की बात करेंगे और हम ए मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, राइट। तो ये ए मैट्रिक्स, इस मैट्रिक्स की आप रैंक निकालेंगे तो ये आएगा 2 - 1 - 1 - 1। तो आप देख रहे हैं वैसे स्टूडेंट्स को जीरो बनाने की कोशिश करेंगे विद हेल्प ऑफ दिस। तो यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन होगा आर टू, है ना, और इस आर टू में टू से मल्टीप्लाई करके आर वन को माइनस कर दीजिए। जैसे ही माइनस करेंगे आपके पास तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ध्यान दीजिए, 2 - 1 और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो सुनिए 3 हो जाएगा। और आप देख रहे हो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स ए इज इक्वल टू कितना आ रही है यहाँ पे, 2 आ रही, और विच इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन, और नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ रहा, मतलब नंबर ऑफ अननोन कितने एक्स और वाई, तो मतलब यहाँ पे क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा। और यूनिक सॉल्यूशन का मतलब होता है ट्रिवियल सॉल्यूशन, और ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब यहाँ होता है जीरो सॉल्यूशन होगा, मतलब एक्स की वैल्यू भी जीरो होगी और वाई की वैल्यू भी जीरो होगी। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसकी ट्रिक होती है, आपको इतनी कैलकुलेशन और रैंक निकालने की जरूरत नहीं होती। जब भी ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसकी जो कॉफिशियंट मैट्रिक्स होती है इसका आप डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए। इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे तो कितना स्टूडेंट इस मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट, राइट, यहाँ पे जो कॉफिशियंट मैट्रिक्स आएगी 2 - 1 और 1 - 1 इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे स्टूडेंट। ये ए मैट्रिक्स है, अगर आप इसका डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो आप देखते हैं इसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा स्टूडेंट, 2 + 1 दैट इज इक्वल टू 3 एंड विच इज नॉट इक्वल टू नॉन जीरो, विच इज नॉट इक्वल टू जीरो, है ना। अगर ये नॉन जीरो आता है तो यहाँ पे हमेशा ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, मतलब यूनिक सॉल्यूशन होता है, और वो जीरो जीरो के बराबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे हम समझते हैं कंसिस्टेंट वाले केस में ट्रिवियल सॉल्यूशन को, मतलब जीरो सॉल्यूशन को, राइट। अब बात करते हैं स्टूडेंट नेक्स्ट वाला एग्जाम्पल, राइट, मतलब सेकेंड वाला एग्जाम्पल। तो देखिए स्टूडेंट सेकंड एग्जांपल लेते हैं हम, है ना, इसको भी थोड़ा हटा देता हूं मैं ताकि आपको सेकंड एग्जांपल क्लियर हो, राइट। अब स्टूडेंट इस एग्जांपल को पकड़ते हैं, है ना, यहाँ पे देखिए आप, अब इसको पकड़ते हैं स्टूडेंट, इसकी कॉफिशियंट मैट्रिक्स लिखेंगे कितना आएगा यहाँ पे, 2 - 1 एंड ये आएगा 4 - 2, देन ये आएगा आपके पास एक्स वाई 0 0। स्टूडेंट यहाँ पे सिर्फ हम ए मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, है ना। तो स्टूडेंट ए, क्योंकि ये तो जीरो मैट्रिक्स है तो ए बी मैट्रिक्स तो ए मैट्रिक्स के बराबर ही होती है, तो यहाँ पे ए बी मैट्रिक्स का कंसेप्ट नहीं होता, ए मैट्रिक्स को लिखेंगे, राइट। स्टूडेंट इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो हम जानते हैं यहाँ पे क्या होगा आर टू, है ना, इसमें आएगा आर टू माइनस 2 R1, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे ये हो जाएगा 2 - 1, और जिससे 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो इसमें ये भी जीरो हो जाएगा, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे जीरो आएगा। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे रैंक ऑफ ए मैट्रिक्स इज इक्वल टू किसके बराबर आ रहा, 1 के बराबर आ रहा, मतलब विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, और अननोन कितने यहाँ पे 2 है, तो इसकी रैंक 2 से छोटी आ रही, मतलब 1 की आ रही। तो इस वाले केस में हमारे पास यहाँ सॉल्यूशन जो होता है वो इनफाइनाइट होता है, मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ कि यहाँ पे सॉल्यूशन निकालने की इच्छा है आपको कि सर इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे, तो इसमें आराम से आप निकाल सकते हैं। एक्चुअली ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों सेम ही है, आप देखो 2 कॉमन निकाल के डिवाइड कर दोगे तो दोनों इक्वेशन सेम ही है, तो एक ही इक्वेशन है ये, तो 2x - y = 0। इसमें हम क्या करेंगे, लेट y = k मान लीजिए आप, y को k मान लेंगे तो स्टूडेंट x की वैल्यू क्या होगी, k रखेंगे k उधर जाएगा तो स्टूडेंट ये k/2 आएगा, राइट। और हर k की वैल्यू अलग 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 वैल्यू आपके पास आएगी, मतलब यहाँ पे क्या होता है, इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, राइट। सो ये कॉन्सेप्ट होता है, पर स्टूडेंट इसकी भी ट्रिक होती है, आपको चेक करना है कि यार इनफाइनाइट सॉल्यूशन कब होगा। तो स्टूडेंट इसका जो डिटर्मिनेंट होता है, आपके पास जो कॉफिशियंट मैट्रिक्स है, आप इस मैट्रिक्स को यहाँ लिखेंगे, स्टूडेंट इसके कॉफिशियंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालिए कितना आएगा, 2 - 1 और 4 एंड यहाँ कितना आ रहा है, 2 आ रहा। आप इसका डिटर्मिनेंट निकालिए, देखिए आप -2 है तो सुनिए होगा -4 + 4 हो जाएगा, अगर आप देख रही है 0 आ रहा है। जब भी डिटर्मिनेंट 0 आता है उस वाले केस में यहाँ पे जो सॉल्यूशन होता है वो क्या होता है, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। तो जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं तो हम डिटर्मिनेंट वाले कंसेप्ट से भी इस क्वेश्चन को बहुत इजीली कर सकते हैं। मतलब सीधी सीधी बात मैं आपको समझाना चाहूंगा यहाँ पे, वो ये है कि अगर कोई भी मैट्रिक्स आपको दे रखी है और वहाँ पे आपको ये पता लगाना है कि सॉल्यूशन ट्रिवियल है या नॉन ट्रिवियल है, तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर बाई चांस डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है मैट्रिक्स कोफिशिएंट मैट्रिक्स का, तो मतलब वहाँ पे ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और अगर डिटर्मिनेंट जीरो है तो वहां पे क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब आंसर 0 0 आएगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब होता है नॉन जीरो आंसर आएगा, राइट, क्लियर है। तो देखिए कैसे करेंगे, यही वो मेथड बता रहा था मैं आपको, द मेथड ऑफ सॉल्विंग द होमोजेनियस इक्वेशन क्या होता है, रैंक ऑफ ए निकालेंगे। अगर रैंक ऑफ ए नंबर ऑफ अननोन के बराबर आ रही है तो मैंने आपको बोला था सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्या होती है, कंसिस्टेंट होती है और ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। अगर रैंक ऑफ ए लेस देन नंबर ऑफ अननोन आता है देन द सिस्टम ऑफ इक्वेशन इज इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन एंड नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन आल्सो एग्जिस्ट एंड इन दिस केस एन माइनस आर वेरिएबल असाइंड आर्बिट, मतलब अभी मैंने आपको बताया था कि 2 वेरिएबल थे तो उसमें एक वेरिएबल को हम कांस्टेंट लेते हैं, क्लियर है। फिर मैंने भी बताया था इनफाइनाइट वाले केस में कि एक को के मानते हैं, वाई को के लिया था, राइट, तो एक्स की वैल्यू आई थी, क्लियर है। तो वही यहां पे कंसेप्ट होता है, क्लियर। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं।
सुनिए यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स है याद रखने की जरूरत है। इन केस वन द एल आई सोल्यूशन एग्जिस्ट वाइल टू एन माइनस आर ई, ठीक है, एल आई और एल डी वाला कंसेप्ट मैंने आपको बता रखा है, तो आप यहाँ पे एटे पे जाके आप समझ सकते हैं। इसमें होमोजीनियस सिस्टम इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, हमेशा कंसिस्टेंट होती है, मैंने आपको बताया यहाँ पे इनकंसिस्टेंट वाला सवाल ही नहीं उठता। बिकॉज इन दिस केस द रैंक ऑफ कोएफिशिएंट मैट्रिक्स इज ऑलवेज इक्वल टू द रैंक ऑफ आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स। इसमें नलिटी इज इक्वल टू ऑर्डर माइनस रैंक होता है। इसमें नलिटी जो होती है इसकी, अगर इस मैट्रिक्स की नलिटी जो होती है वो क्या होता है, एन माइनस रैंक ऑफ ए के बराबर होती है, राइट ठीक है। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स में नलिटी हमेशा जीरो होती है, क्लियर, हम जानते हैं। इसमें ट्रिवियल सॉल्यूशन का मतलब ये होता है जीरो 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 सॉल्यूशन, राइट। नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन। व्हेन द नंबर ऑफ इक्वेशन इज लेस देन द नंबर ऑफ अननोन देन द होमोजीनियस सिस्टम विल ऑलवेज एन इनफाइनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब यहां पे हुआ कि फॉर एग्जांपल मैं आपके सामने एक एग्जांपल देता हूं, उससे आपको समझ में आएगा, राइट। इसमें एग्जांपल देखिए, एक एग्जांपल लेता हूं मैं आपके सामने, एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू जीरो एंड दे रखा है एक्स माइनस टू वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो। ये दो इक्वेशन दे रखे और आपसे पूछे कि इसका सॉल्यूशन निकालिए, तो भैया यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल तीन है और इक्वेशन दो है, तो ऐसे केसेस में यहाँ पे इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा, मतलब नॉन जीरो सॉल्यूशन होगा। आपको ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने की आवश्यकता ही नहीं है, राइट ओके। सो देखिए स्टूडेंट, यहाँ ट्रिक की मैंने बताया था, ट्रिक बताया था कि अगर बाई चांस किसी भी मैट्रिक्स जो भी हमारे पास इक्वेशन दे रही दे रखी है उसके कोफिशियंट मैट्रिक्स को हम निकालते हैं और उसका डिटर्मिनेंट अगर नॉन जीरो आ रहा है देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट एंड यूनिक सॉल्यूशन दैट इज ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। एंड इफ डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू जीरो देन द सिस्टम इज कंसिस्टेंट विद द इनफाइनाइट सॉल्यूशन देन द नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट। तो ये ध्यान देने की जरूरत है, राइट। अब स्टूडेंट क्वेश्चन पे आते हैं और क्वेश्चन ये दे रखा है, वैसे देखा जाए तो मैंने अभी आपको बताया कि आप इसका डिटर्मिनेंट निकाल दीजिए या डिटर्मिनेंट निकाल के आप सॉल्व करेंगे, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो आ रहा है मतलब यहाँ पे ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, मतलब ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा, और अगर नॉन जीरो आ रहा है मतलब जीरो के बराबर आ रहा है अगर डिटर्मिनेंट इसका, तो उस वाले केस में हमारे पास सॉल्यूशन क्या होता है, ट्रिवियल मतलब नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, राइट। मैंने भी आपके सामने बताया ट्रिवियल नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन के बारे में, राइट, यहाँ पे बता रखा, क्लियर है। इक्वेशन होता है यूनिक सॉल्यूशन, इसको ट्रिवियल सॉल्यूशन बोलते हैं, डिटर्मिनेंट नॉन जीरो है ना। पर स्टूडेंट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है, क्या बोल रहा है, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इक्वेशन यूजिंग मैट्रिक्स मेथड। जब भी मैट्रिक्स मेथड बोले तो आपको रैंक का कंसेप्ट से इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, राइट। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इस इक्वेशन को बना देते हैं, वन थ्री माइनस टू एंड देन ये आएगा टू माइनस वन फोर, देन ये आएगा वन माइनस इलेवन एंड फोर्टीन, ये हम मैट्रिक्स बनाएंगे इसकी, राइट है ना। एंड ये आएगा ये एक्स वाई जेड, देन ये आएगा जीरो जीरो जीरो, राइट। हम जानते हैं ये होता है ए एक्स इज इक्वल टू बी, है ना, खैर बी तो जीरो ही है, मतलब ही नहीं, ए एक्स इज इक्वल टू जीरो हो जाएगा मान लीजिए, राइट। इसमें यहाँ पे क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसकी मैट्रिक्स ए मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे, राइट, ए मैट्रिक्स की रैंक निकालते हैं, क्लियर है स्टूडेंट। ए मैट्रिक्स लिख लेता हूँ मैं यहाँ पे, चलो यहाँ लिख लेता हूँ, जगह नहीं है तो यहाँ लिख लेते हैं, राइट। इसमें ए मैट्रिक्स लिख लेते हैं, वन थ्री माइनस टू देन टू माइनस वन फोर देन वन माइनस इलेवन एंड फोर्टीन, इसकी रैंक निकालते हैं स्टूडेंट। इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, बताया था मैंने आई टेप पे जाके रैंक की वीडियोज़ का देख सकते हैं, राइट। इसमें यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए, आर टू ये आएगा आपके पास R2 टू माइनस टू आर वन, इसको दो से मल्टीप्लाई करके माइनस कर दीजिए, एंड R3 थ्री इस दुनिया पर क्या होगा, R3 थ्री माइनस आर वन, इसको सीधा माइनस कर दीजिए, राइट, तो आपका काम हो जाएगा, क्लियर है। देखिए स्टूडेंट क्या आएगा, ध्यान दीजिए, यहाँ पे वन थ्री माइनस टू, इसको दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे जीरो, दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो माइनस का सेवन आएगा, है ना, माइनस वन और छः, राइट, दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो ये एट हो जाएगा, है ना, चार और माइनस दो तो चार हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट इसको माइनस करेंगे तो सीधा जीरो आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो माइनस का 14 आ रहा है, इसको माइनस करेंगे तो 16 आ रहा है स्टूडेंट। इसको जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, तो स्टूडेंट तो वैसे ही जीरो आ रहा है, देखो क्या होगा, R3 इस R3 में इसको 2 से मल्टीप्लाई करके हम माइनस कर दें, सीधा हो जाएगा, राइट। तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या होगा, देख रहे हैं आप, ये वन थ्री माइनस टू देन जीरो माइनस सेवन एट, स्टूडेंट ये जीरो, ये लाइन इसकी जस्ट डबल आ रही, देख लीजिए आप, है ना। तो स्टूडेंट ये आ रहा है, मतलब आपके पास जो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स आ रही है, मतलब रैंक ऑफ ये मैट्रिक्स आ रही है, अलग कलर देता हूँ आपको समझ में आया, राइट। स्टूडेंट रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू कितना रहा है, टू, राइट, विच इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन, है ना। नंबर ऑफ अननोन कितना है स्टूडेंट, यहाँ पे थ्री है, और जब भी लेस देन नंबर ऑफ अननोन होता है तो हमारे पास जो सॉल्यूशन होता है क्या होता है, इनफाइनाइट होता है, राइट, या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है। सो गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट एंड there is non trivial solution, है ना, या नॉन जीरो सॉल्यूशन कैसे। अब आप बोलोगे सर सॉल्यूशन निकाल के कभी पूछ ले कि क्या सॉल्यूशन आएगा, तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, इधर देखिए आप, राइट। तो सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, ध्यान दीजिए, मैं इसका सॉल्यूशन निकाल के समझाता हूं, आपको समझ में आएगा।
राइट। तो मैं एक बार ये हटा देता हूँ कि इसकी जरूरत नहीं, काम हो गया आपका। इधर देखिए स्टूडेंट्स, का सॉल्यूशन कैसे निकालते हैं, जो भी आपको ऐसे दे रखी है लास्ट मैट्रिक्स, इसकी इक्वेशन बना लीजिए। स्टूडेंट्स की इक्वेशन बना के लिख रहा हूँ मैं, तो क्या आएगा यहाँ पे, एक्स प्लस 3y माइनस 2z इज इक्वल टू 0, है ना, ये आएगा। देन ये देखिए आप कितना आएगा स्टूडेंट, यहाँ पे माइनस का 7y प्लस का 8z इज इक्वल टू 0, राइट। जब भी ऐसा आता है स्टूडेंट क्या करेंगे, लेट z इज इक्वल टू k मान लीजिए, इसको k मान लीजिए स्टूडेंट, ये k आएगा, तो ये 8 के उधर गया, तो हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी स्टूडेंट, y की वैल्यू हो जाएगी 8k अपॉन 7 स्टूडेंट। ये z और ये y की वैल्यू उठा के यहाँ रख दीजिए, तो यहाँ से आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी, और तीनों वैल्यू k पे डिपेंड कर रही है, और हर एक k की वैल्यू, यहाँ k की वैल्यू 0 रखेंगे तो अलग आंसर आएगा, 1 रखेंगे तो अलग आंसर आएगा, 2 रखेंगे तो अलग आंसर आएगा, राइट। अलग अलग k के लिए अलग अलग वैल्यू आएगी, तो यहाँ पे हमारे पास इन्फाइनाइट सॉल्यूशन मिलते हैं। तो इस तरीके से यहाँ पे इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, राइट। सो स्टूडेंट देखिए वाला क्वेश्चन कैसे करेंगे, आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ के सच दैट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन दिस हैज नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन। इस क्वेश्चन को एक तरीका सीधा है, नॉन ट्रिवियल का मतलब ये होता है डिटरमिनेंट जीरो कर दो आप, है ना। तो वैसे मैं आपको ट्रिक समझा देता हूं, अगर ऐसा क्वेश्चन आता है इसकी कॉफिशियंट मैट्रिक्स लिख लीजिए, मैं इस ए मैट्रिक्स लिख लेता हूं इसकी कॉफिशियंट मैट्रिक्स को, राइट, और ये लिख देते 1 4 2 एंड देन आएगा k 3 1 एंड 3 k 2 आएगा, राइट। आप इसका डिटरमिनेंट निकाल दीजिए स्टूडेंट इसका, और हम जानते हैं इसका डिटरमिनेंट किसके बराबर होगा, जीरो के बराबर होगा। जब भी नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है डिटरमिनेंट जीरो होता है, और ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है तो डिटरमिनेंट नॉन जीरो होता है, राइट। तो हमें डिटरमिनेंट क्या करना है, पे जीरो के बराबर करना, राइट। तो स्टूडेंट क्या होगा, ध्यान दीजिए, मैं इसका डिटरमिनेंट निकालता हूं, तो 1, राइट, ये आएगा 6 माइनस के, क्लियर है, 6 माइनस के, माइनस का के ले लीजिए स्टूडेंट, ये आएगा 8 माइनस 2 के, एंड देन ये आएगा प्लस का 3 इसमें आएगा 4 माइनस 6, राइट, बराबर 0, क्लियर है। इसमें सिंप्लीफाई कर दीजिए, कितना आएगा यहाँ पे देखो, 6 माइनस के, और ये आएगा माइनस का 8 के प्लस का 2 के स्क्वायर, राइट, है ना, और ये आएगा माइनस का 6, क्लियर है। देन ये 6 से 6 क्या हो गया इसमें, कैंसिल हो गया, बराबर 0 रख दीजिए आप, क्लियर है। अब स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, एक्चुअली माइनस का 2 बचेगा, तो ये माइनस का 6 हो जाएगा, राइट। आप इसको सिंप्लीफाई कर दीजिए स्टूडेंट, आपके पास क्या आएगा यहाँ पे वैल्यू, 2 के स्क्वायर, एंड के और के कितना हो गया, 9 के, इज इक्वल टू यहाँ पे क्या हो गया, 0 हो गया। स्टूडेंट के कॉमन निकाल दीजिए, तो आएगा 2 के माइनस 9 इज इक्वल टू 0, राइट। तो यहाँ पे या तो के की वैल्यू आपके पास क्या आएगी, 0 आएगी, या फिर आपके पास के की वैल्यू क्या आएगी, 9/2 आएगी। अगर ये दोनों वैल्यू आएगी, इट मीन्स इन दोनों वैल्यू के लिए यहाँ पे जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करते हैं। पर स्टूडेंट अगर आपको मैट्रिक्स मेथड से करना तो कैसे करेंगे वो आपको समझाता हूँ। सो स्टूडेंट मैट्रिक्स मेथड के लिए क्या करेंगे आप, इसको वापस मैट्रिक्स फॉर्म में लिख दीजिए। तो मैं इस इक्वेशन को मैट्रिक्स फॉर्म में लिख रहा हूँ, ध्यान दीजिए क्या आएगा स्टूडेंट मैट्रिक्स फॉर्म में, 1 k 3 देन 4 3 k देन 2 1 2, राइट। स्टूडेंट इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस वन, तो ये क्या आएगा, R2 माइनस 4R1 एंड R3 क्या आएगा स्टूडेंट, R3 माइनस 2R1, राइट। तो स्टूडेंट ये सीधा सीधा आ जाएगा, ध्यान दीजिए क्या आएगा यहाँ पे, ध्यान दीजिए इसकी मैट्रिक्स बना लेते हैं अपन, क्या आएगा 1 k 3, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे 0, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 माइनस 4 k आ जाएगा, राइट। इसमें इसको क्या करेंगे, 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 k - 12 आ जाएगा, राइट। इसको 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 0, 2 से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो 1 - 2 k, क्लियर है। और इसको 2 से मल्टीप्लाई करके करेंगे तो 2 - 6 दैट इज माइनस का 4, क्लियर है। इसको 0 बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस, राइट। तो कुछ नहीं करना यार, इसको 1 - 2 k से मल्टीप्लाई कर दो, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या करेंगे, इसको 3 - 4 k से मल्टीप्लाई कर दो, हो जाएगा काम, है ना। तो स्टूडेंट जो ट्रांसमिशन लगेगा वो क्या लगेगा, R3, है ना। तो ये आएगा 3 - 4 k इंटू R3 माइनस 1 - 2 k R2 आएगा। गेटिंग माई पॉइंट, ये ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे तो आपका काम खत्म हो जाएगा। तो स्टूडेंट कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए, इसको समझाता हूँ मैं आपको, है ना। तो जैसे आप ट्रांसफॉर्मेशन लगाएंगे, तो मैं यहाँ बताता हूँ, जैसे आप सॉल्व करेंगे इसको, तो स्टूडेंट यहाँ पे क्या आएगा, ये 1 k 3 एंड देन आएगा 0, देन आएगा 3 - 4 k, इसमें आएगा k - 12, इसमें ये 0 हो जाएगा, ये 0 आएगा, और ये आपके पास आएगा k - 2 k - 9 आएगा, क्लियर है। ये आपके पास वैल्यू आएगी, आप चेक करेंगे तो ये आएगा। पर स्टूडेंट जब भी यहाँ पे नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन होता है, मतलब यहाँ पे क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, k (2k - 9) को हम बराबर 0 पुट कर देंगे। तो स्टूडेंट यहाँ पे k की वैल्यू क्या आएगी, आपके पास 0 आएगी, या फिर आपके पास k की वैल्यू क्या आएगी, 9/2 आएगी। तो ये इसका आंसर आएगा। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं।
सो स्टूडेंट देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ध्यान दीजिए इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो स्टूडेंट सबसे पहले जब भी ऐसा क्वेश्चन पूछा जाता था हम इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाते हैं। पर स्टूडेंट मैं आपको बताना चाहता हूं कि यहां पे तीन इक्वेशन है और चार वेरिएबल है। स्टूडेंट यहां पे एक्स वाई जेड डब्ल्यू चार वेरिएबल है और तीन इक्वेशन है। तीन इक्वेशन तो इसकी रैंक जो होगी वो तीन से ज्यादा नहीं हो सकती है, और अननोन यहां पे कितने चार है, तो रैंक थ्री है अननोन चार है, मतलब जो रैंक है वो अननोन से कम है। तो जब भी ऐसा होता है तो हमारे पास इनफाइनाइट सॉल्यूशन होता है, कंसिस्टेंट होगा पर इनफाइनाइट सॉल्यूशन होगा। पर स्टूडेंट आपसे बोला है कि सॉल्व द कंप्लीटली बाय द सिस्टम, कंप्लीट द सिस्टम ऑफ इक्वेशन, तो आपको पूरा सॉल्व करना है। यहाँ पे ऐसा नहीं लगा सकते कि सीधा, हाँ अगर ये क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम है जैसे आई आई टी जे में आ जाए, सी एस आर एंड में, तो हम सीधा कर सकते हैं, क्लियर है, सॉल्व करने की आवश्यकता नहीं है। पर हमें यहाँ पे इसको सॉल्व करना पड़ेगा बिकॉज ये हमें डिस्क्रिप्टिव एग्जाम में पूछा गया है, तो हमें थोड़ा सिस्टमेटिक करना पड़ेगा, राइट। तो मैं इसी मैट्रिक्स को इसकी कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख लेता हूँ। स्टूडेंट कितना आएगा यहाँ पे, टू थ्री माइनस वन माइनस वन, ये आएगा स्टूडेंट फोर सिक्स माइनस टू एंड प्लस टू, स्टूडेंट ये प्लस टू जेड है, राइट। स्टूडेंट आएगा माइनस का सिक्स ट्वेल्व थ्री एंड माइनस फोर है, राइट। स्टूडेंट हम क्या करेंगे, इसकी रैंक निकालेंगे, इन दोनों को जीरो बनाएंगे विद द हेल्प ऑफ दिस। तो सुनिए यहाँ पे क्या होगा, ध्यान दीजिए आर टू, सबसे पहले आर टू चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा स्टूडेंट, आर टू ये होगा आर टू माइनस टू आर वन, दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे जीरो हो जाएगा। सुनिए ये होगा आर थ्री, आर थ्री प्लस थ्री आर वन, राइट, तीन से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो जीरो हो जाएगा। सुनिए यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ क्या आएगा ट्रांसफॉर्मेशन। सुनिए आएगा टू थ्री माइनस वन माइनस वन, इसको दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे जीरो, दो से मल्टीप्लाई करके माइनस करेंगे तो स्टूडेंट ये भी जीरो आ रहा है, राइट। मीन यहाँ पे क्या हो रहा है देखो, आर टू प्लस टू आर वन, राइट, तो ये आएगा सिक्स, सॉरी माइनस का सिक्स है, आर टू यहाँ पे आ रहा है और ये सिक्स आ रहा है, एक्चुअली माइनस का सिक्स है ना, सो माइनस का सिक्स है तो स्टूडेंट ये क्या होगा, माइनस का ट्वेल्व हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट ये माइनस करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, स्टूडेंट यहाँ टू है और ये माइनस हो तो ये फोर हो जाएगा, राइट। स्टूडेंट यहाँ पे करेंगे हम तो ये थ्री से करेंगे तो ये जीरो हो जाएगा, स्टूडेंट तीन से मल्टीप्लाई करके जोड़ना है तो तीन तीन और बारह तो ये ट्वेंटी वन हो जाएगा। स्टूडेंट यहाँ पे तीन से मल्टीप्लाई करके जोड़ेंगे तो जीरो होगा, स्टूडेंट तीन से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का थ्री और माइनस का फोर माइनस का सेवन हो जाएगा, राइट। अब हम इसको जीरो बनाएंगे बाय द हेल्प ऑफ दिस। तो स्टूडेंट इक्कीस है तो हम क्या करें, सात इक्कीस और बारह में कॉमन कौन होता है, लाइक थ्री होता है, राइट। तो तीन है तो तीन नहीं है तो सात, तो सात से इससे मल्टीप्लाई कर दो और चार को इससे कर दो, राइट। तो बारह सात चौरासी और इक्कीस सात चौरासी, राइट, तो बिल्कुल ट्रांसमिशन सही लग जाएगा। तो हमारे पास आर थ्री क्या होगा स्टूडेंट, फोर आर थ्री माइनस माइनस नहीं होगा, प्लस होगा सेवन आर टू, राइट, ठीक है। जैसे आप कराएंगे ट्रांसमिशन, ये ट्रांसमिशन जैसे लगाएंगे तो क्या होगा स्टूडेंट, ध्यान दीजिए मैं मैट्रिक्स यहाँ लिख देता हूँ, तो ये आएगा टू थ्री माइनस वन माइनस वन, इसमें ये जीरो माइनस ट्वेल्व जीरो एंड फोर हो जाएगा और यहाँ आ जाएगा जीरो 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 एंड जीरो है, क्योंकि ये भी हो जाएगा तो सात चौक अट्ठाईस और अट्ठाईस और प्लस कर रहे हैं तो जीरो हो जाएगा, राइट। तो इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे इस मैट्रिक्स की जो रैंक आ रही है, सो रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स, रैंक ऑफ दिस मैट्रिक्स इज इक्वल टू टू एंड नंबर ऑफ अननोन कितना आ रहा है हमारे पास, फोर आ रहा है, मतलब नंबर ऑफ अननोन से कम है। सो गिवन इक्वेशन इज कंसिस्टेंट, गिवन इक्वेशन इज consistent and there is infinite solution, है ना, या फिर हम बोल सकते हैं non-trivial solution, that is non-trivial solution, है ना। अब कभी कभी आपसे पूछ लिया जाए कि नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन तो सॉल्यूशन क्या होगा, राइट। तो सुन नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन में क्या होगा, इसके वापस इक्वेशन फॉर्म लिख लीजिए। तो सुन इक्वेशन फॉर्म क्या होगी, यहाँ पे ध्यान दीजिए, टू एक्स सॉरी टू डब्ल्यू आएगा, पहले w है तो w आएगा, राइट। सो टू डब्ल्यू है ना, सुनिए w से स्टार्ट हो रहा है, राइट। तो ये आएगा टू डब्ल्यू प्लस थ्री एक्स माइनस वाई माइनस जेड इज इक्वल टू जीरो, और यहाँ पे इक्वेशन बनाएंगे तो सुनिए आएगा माइनस का ट्वेल्व एक्स और ये फोर आ रहा है तो प्लस का फोर जेड आएगा, राइट, इज इक्वल टू जीरो, राइट। तो स्टूडेंट जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो यहाँ पे हमारे पास क्या हो रहा है, यहाँ पे चार वेरिएबल है और हमारे पास अल्टीमेटली इक्वेशन कितनी आ रही है, दो ही आ रही है, तो हमें तीन यहाँ पे कांस्टेंट मानने पड़ेंगे तभी आपका चौथा वैल्यू निकलेगा, नहीं तो नहीं निकलेगा, राइट। तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक्स को के वन मान लेते हैं, राइट, और वाई को के टू मान लेते हैं, क्लियर है, मतलब दो को अननोन मान लीजिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो के वन के टू मान लेंगे यहाँ पे, राइट, तो ये के वन आ गया, ये सॉरी जेड को के टू मान लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, राइट, जेड को के टू मान लो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्लियर है। तो स्टूडेंट जेड को के टू मान लेते हैं, क्लियर है। तो ये जेड वन का के वन के टू उठा के आप यहाँ रख दीजिए, तो स्टूडेंट यहाँ से हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, देखो ये के वन आ रहा है ये के टू आ रहा है, तो आई थिंक मेरे हिसाब से अपने को गड़बड़ आ रहा है, तो अपन जेड को नहीं मान लेते, अपन यहाँ वाई को मान लेते हैं ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो स्टूडेंट वाई को मान लेते हैं, राइट, तो मैं लेता हूँ वाई को क्या लेता हूँ, यहाँ पे के टू ले लेता हूँ, है ना, ज़्यादा अच्छा रहेगा। अब देखो कैसे करेंगे, स्टूडेंट ये क्या करते हैं, जहाँ पर भी के वन है
है ना, राइट। ये जो वैल्यू है, मैं ये K1 उठा के यहाँ रख देता हूँ, तो इसमें हमारे पास जो Z की वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी, इसमें जब इसकी वैल्यू K1 रखोगे तो 12 के उधर चला जाएगा, है ना, और 4 से डिवाइड करेंगे तो इसमें यहाँ पे कितना आएगा, ये 3K1 आ जाएगा, राइट। अब हमारे पास ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ये उठा के यहाँ रख दीजिए तो हमारे पास W की वैल्यू आ जाएगी। तो मुझे लगता है आप आराम से यहाँ पे इस तरह से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं, क्लियर है। सो स्टूडेंट, मैंने जो आपको पढ़ाया वो आपको समझ में आया होगा, और समझ में आया तो लाइक करिए, कमेंट करिए और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, और मैं आगे भी इस टाइप की वीडियोज अपलोड करूंगा, और जहाँ पर आइगन वैल्यूज एंड आइगन वैक्टर, देन उसके बाद यहाँ पे कैली मिल्टन थ्योरम है, देन डायगोनलाइजेशन है, और भी जो टॉपिक्स आगे बचे हुए हैं लीनियर अलजेब्रा में वो कंप्लीट करूंगा, देन फिर नया टॉपिक स्टार्ट करूंगा। तो स्टूडेंट लास्ट में मेरी वीडियोज देख सकते हैं, इसमें CSIRnet की एप्टीट्यूड की प्लेलिस्ट है, ये यहाँ पे आप देख सकते हैं, लीनियर अलजेब्रा पे जितने भी वीडियोस मैंने अपलोड किए वो आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। ये दोनों मेरे चैनल स्टूडेंट, मेरा नया चैनल जहाँ पर जनरल एप्टीट्यूड की वीडियोस अपलोड कर रहा हूँ, ये मेरा पुराना चैनल जहाँ पर मैं हायर मैथ्स की वीडियोस को अपलोड करता हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग मी, बाय बाय।